الخطا الذي يقع عند كثير من الناس وهو ظنهم ان اول عشره ايام من رمضان رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار هذا باطل رمضان كله رحمه رمضان كله مغفره رمضان كله عتق من النار في كل يوم وهذا الحديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من نار حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز نسبته إليه صلوات ربي وسلامه عليه بل لله عتقاء بالأمس وله عتقاء في اليوم وله عتقاء غدا وهكذا حتى يتم الله جل وعلا

व रहमत के हैं और दूसरा आशरा यानी दूसरे दस दिन जो हैं वो मगफरत के हैं और तीसरा आशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी का है तो इस हदीस पाक को आपने कसीर तादाद में उलमा कराम से सुना फ़जीलत भी सुनी और इसकी बाकायदा सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने इसकी दुआएँ भी सुन रखी होंगी और इसी तरह लेकिन इस हदीस पाक के ऊपर आज कुछ लोग है वो इतराज़ा कर रहे हैं कि यह हदीस पाक माजल लबातिल है ये हदीसी पाक मुनकर है ये हदीसी पाक ज़यीफ़ है या इस हदीसी पाक की माजल्ला कोई असल नहीं है तो उस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा था एक दोस्त हैं हमारे अल्लामा मोहम्मद आबिद कादरी साहब, जिनका तल्ल कराची से है बी सी ने लाइन से आपने ये सवाल पूछा आपने फरमाया कि आया यह हदीस पाक वाक़ता उस फजीलत की हामिल है जो क्राम इसकी फजीलत बताते हैं या वो जो आज के ज़माने के अंदर कुछ लोग इंतशार फैलाते हुए इस हदीस से पाक को माजल्ला कोई बातिल कह रहा है कोई मौजू कह रहा है कोई मुनकर कह रहा है तो इस हवाले से इस हदीस पाक की अहमियत क्या रह जाती है आया वो जो फ़जाइल और मनाकब जो इस हदीसी मुबारक के सदियों से चले आ रहे हैं उनका कोई सबूत मिलता भी है कि नहीं मिलता और इसी तरह इससे पहले बुजुर्गा नदीन ने अपनी किताबों के अंदर इसका तस्करा फरमाया है कि नहीं फरमाया इन शाला अगर आप जुड़े रहेंगे तो इन शाला इस हवाले से आपकी काफ़ी रहनमाई हो सकती है अल्ला पागम दीन की समझे मतफ़रमाए सबसे पहले तो इस हदीस पाक की वो वजह कि जिस वजह से कुछ लोगों ने इसे बातिल या ज़ाइफ करार दिया या मौजू करार दिया या मुनकर कहा और नाकाबिल दलील कहा अमल कहा तो उसकी वजह क्या है वो वजह मैं आपके सामने अर्ज करूंगा <coughs> फिर मैं आपसे यह अर्ज़ करूंगा कि हमारे 1400 सालों से कितने बुजुर्गों ने इसको अपनी किताबों के अंदर ज़िक्र फरमाया और इसकी फजीलत को मलहूज रखते हुए इसका तस्करा अपनी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर जिक्र फरमाया और चौदह सौ सालों से बुज़ुर्गों का हदीस मुबारक के इस हिस्से के ऊपर और इसकी इस फजीलत के ऊपर कितना ईमान है कितना अमल वो रखते थे और इसका कितना अहतमाम फरमाया करते थे सबसे पहले तो यह अर्ज करता चलूँ कि इस हदीसी पाक के रावी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह हो हैं जो कि सहाबी रसूल सल्ला वल्लम हैं तवील हदीस मुबारक है मफहूमन आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि शाबान का आखिरी दिन जब आया तो हजूर आल सलाम ने इस हदीस मुबारक को हमारे साथ बयान फरमाया किस एतबार से कि ख़त बना रसूल सल्ला वल्मा के हज़ूर सलात वाम ने शाबान के आखिरी दिन में मुबारक की फजीलत को ज़ाहिर करते हुए हम पर हमें खुतबा इरशाद फरमाया और इस खुतबा के अंदर आपने एक लाइन ये भी थी सरकार की कि जो आपने रमज़ान शरीफ की बरकत और फजीलत के हवाले से जहाँ दीगर भी बातें आपने इरशाद फरमाई वहाँ एक सेंटेंस और जुमला ये था कि अल्लाह के नबी सलाम ने फ़रमाया व शाहरुन अव्वल रहमत वो महीना आ रहा है यानी रमज़ान शरीफ का वो महीना है कि उसकी इब्तदा उसका पहला आश्र रहमत है वाउसतुहु औसत और उसका दरमिया अशरा जो है वो मगफ़रत है बख्शिश का है और इसी तरह फरमाया व आख़िर होदक मिनन्नार और उसका आखिरी हिस्सा जो है यानी आखिरी दस दिन वो जहन्नम से आज़ादी के हैं अब इसकेफ़ होने की वजह क्या है वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जहाँ इस हदीसी पाक के अंदर रावी आए हैं कि जिन्होंने हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लान से जिस जिसने रिवायत किया उनमें से एक शख्स जो है वो ये है हाली बिन जैद बिन जुदान रावी है जिसके बारे मददसिन के मुख्तलिफ अकवाल हैं और बहुत से मुख्त जो महदसन हैं वो इसके बारे इजहार ख्याल जब करते हैं तो कुछ इन अल्फाज से करते हैं कि ये बंदा गैर सिका है मजबूत नहीं है या इसको भूल का मर्ज था या ये कहीं ना कहीं अहादिश के अंदर मिलावट कर देता था ख़लत मलत कर देता था सबसे पहले मैं आपके सामने वो हजरात जो इस शख्स के बारे में कलाम करते हैं और उनका कलाम कुछ यूँ था कि इससे इसलाल नहीं किया जा सकता इससे दलील नहीं ली जा सकती या ये गैर शिकारावी है और इसी तरह इसकी बात मजबूत और मस्हकम नहीं है या बाज ने कहा कि कवि जिन ये मजबूत नहीं है बाज ने कहा कि लैसब इन इसकी कोई हैसियत नहीं है तो वो जो चंद हजरात हैं मैं उनका तस्करा आपके सामने करूँगा ताकि आपको ये ना लगे कि मैं तस्वीर का एक रुखाब को दिखा रहा हूँ और दूसरा रुखाव से छुपा रहा हूँ सबसे पहले इस शख्स की हम तहकीक करेंगे कि अली बिन जैद बिन जुदान जो इस हदीसी पाक की रिवायत के अंदर खुद मौजूद है वो शख्स कौन है इसके बारे मुहदसिन की आरा क्या है सबसे पहले आप देखें किताब है अलमगनी फिदुआफा जल्द नंबर दो सफ़ा नंबर पचासी में इमाम जहाबी रहमतल्ला फरमाते हैं आपने फरमाया कि कला अहमद अबन जैदन कान यबुल अहादीस कि हमद बिन जैद ने कहा कि वो अहदीस को फेर दिया करता था जो असल जो अल्फाज होते थे अदादी में उनमें कुछ मिलावट करके रद्द बदल करके अदीस को आगे बयान कर देता था वज़ा कर शोबा तो और इसी तरह शुबा ने जिक्र फ़रमाया फरमाया, फरमाया अन नहू अख्तलता के बेशक वो अदादी में अख्तिलात यानी मिलावट कर देता था अहदीस को गड़मड कर देता था वक़ा अहमदो हज़रत इमाम अहमदल रमत फरमाते हैं लब शन इस बंदे की कोई हैसियत नहीं है यानी इस ने जो अहदीस बयान की हैं उनको हम पूरे वसूख के साथ यकीन के साथ नहीं ले सकते वकाल अबू हातिम लाफ्त जो भी हज़रत इमाम अबू हातिम रहम्ला फरमाते हैं कि उससे इसतलाल नहीं किया जा सकता उसकी गुफगू को और उसकी रिवायत करदा जो अहदीस हैं उनको बतौर दलील और सबूत के पेश नहीं किया जा सकता मैं इसके लिए हवाले के तौर पर अलमगनी जो मेरे पास मौजूद है इस किताब का हवाला आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत इमाम ज़ाह भी रहमतल की यह किताब है आपने इसके अंदर गुफ्तु फरमाई और आपने इरशाद फरमाया ये मुकम्मल हवाला मेरे सामने मौजूद है किताब मेरे सामने मौजूद है जल्द नंबर दो है सफ़ा नंबर इस पे पचासी है और यहाँ पे आपने जो तस्करा फरमाया है इस शख्स का नाम लेकर अली बिन जैद बिन जुदान तो यहाँ पे हज़रतम रदी अल्लाह और हज़रत शोबा हज़रत इमाम अहमद बिन हमल रहमतल तजरत अबू ज़ुरा और इसी तरह हजरत अबू हातम रदी अल्लान अजमाइन से आपने ये उनकी अकवाल और उनकी आरा जो जरा वतदील के तौर पर मुहदसिन के बारे एक असिला है उसके तौर पर जो बयान की जाती है आपने उनसे ये गुफ्तु आपने लिए इसी तरह सर आलाम्नबला के अंदर जल्द नंबर पाँच सफ़र नंबर दो सौ सात के अंदर भी हज़रत इमाम जहाबी रहमत ते शुमार बुज़ुर्गों के जो गुफ्तु जो अल्फाज हैं इस शख्स के बारे वो आपने यकजा फरमाया और आपने फरमाया काला अब रा व अबू हातम कि हज़रत कजरत अबुरा और अबू हातम ये दोनों बुजुर्ग ये है फरमाते हैं कि ये शख्स लब कवि ये इसकी इलमी काबिलियत और सलाहियत इतनी नहीं है कि ये जो अदीस बयान करता है इसके बारे पूरे यकीन और रसूब के साथ कहा जाए कि हाँ इसने मिनान जो ए टू जेड अल्फाज बयान किए हैं ये वाक़ता हदीस रसूल सल्ला व्के इसके बारे ये नहीं कहा जा सकता फिर इसी तरह फरमाया कि अल-बुखारी यो वग़ैरह हो लाफ जो भी हज़रत इमाम बुखारी और इसी तरह जो मैंने एक अभी इमाम जहाबी रहमत कीमगनी के की हवाले से जो मैंने हवाला आपको पेश किया हज़रत अबू हातम रहमत का इसका और हज़रत इमाम बुखारी रहमतल्ला तक अलावा दीगर जो मुहदसिन हैं वो ये भी फरमाते हैं कि लाफ जो भी उससे इसतलाल नहीं किया जा सकता उससे दलील नहीं पकड़ी जा सकती

उसका हाफजा दुरुस्त न होने की वजह से मैं उसकी अहादीत को बतौर दलील के नहीं लेता सबूत के लिए मैं उसकी अहादीत सुन तो लेता हूँ लेकिन सबूत के तौर पर किसी अमल के लिए पेश करूँ यह मैं नहीं करता इसी तरह वकाल तिरमिजी हज़रत इमाम सदूक उस कहा है वकान इबन हजरत इबन ओना रहमतल तारे कुछ नरमी रखा करते थे इसी तरह वकाल मुर हज़रत मुर्र रज त फ़रमात हक दसाना कि इस शख्स ने यानी अली बिन जैद बिन जुदान ने हमसे हदीस बयान की लेकिन फरमाते कब कहते हैं कि कबला अन यख्तलता कबल इससे कि वो अदीस को अख्तलात किया करता कि मिला दिया करता यानी इससे पहले के ज़माने में उसने हमसे हदीसें कुछ बयान की हैं वक़ाल अहमद उबन जैदिन अम्बाना अलीबन ज़ैदिन और हज़रत अहमद बिन जैद रदी अल्लाह ताल फरमाते हैं कि हमसे यानी हमें बयान किया कि खबर पहुँचाई किसने इसी शख्स ने अली बिन जैद बिन जुदान ने और आप फरमाते हैं वक़ान यब अहादीस और इस, इस शख्स का ये वतीरा था ये तरीका था कि ये अहादीस को मिला दिया करता फेर दिया करता था युकल अहादादीस की अहदीस को ये फेर दिया करता था उनमें मिलावट कर दिया करता था वक़ाल अहमदुबन अहमल इनका ये जो फरमान है हज़रत इमाम अहमद बिन तआला अलैहि का हज़रत इमाम ज़ाहबी की जो जिदाआफा वाली किताब है उसके अंदर भी हमने ये कौल आपका बयान कर दिया कि आप फरमाते हैं दीफ़ुन ये शख्स कमज़ोर है इसके लिए इससे सबूत के तौर पर कोई हदीस नहीं ली जा सकती वकाल यह और हज़रत इमाम यह रमोत फरमाते हैं लिश इन इस शख्स की कोई हैसियत नहीं है कोई वक़त नहीं अब चंद एक कुतुब जिस शख्स के बारे में इसी किस्म के अकवाल जो बयान किए गए मुहदसिन की आरा जो बयान की गई उनके सिर्फ नाम गिनवा के मैं आगे चलने की कोशिश करूँगा और इनके इन शह कुछ किताबों के हमारी जो है ना इसक्रीन पर आपको दिखाई दिए दिए जा रहे होंगे लेकिन कुछ हवाला जात हमने बयान नहीं किए क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश इतनी नहीं होती कि हर एक चीज का हवाला क्योंकि जिसने तस्लीम करना होगा वो एक दो किताबों से हवाला तस्लीम कर लेगा और जिसने नहीं भी तस्लीम करना होगा तो उसके बारे में अगर हम कुरान से भी हवाला पेश करें हमें पता है कि वो शख्स तस्लीम करने वाला नहीं है कि उसकी फितरत में एक चीज़ को कबूल करना नहीं है तो चंद एक कतुब का नाम लेकर जल्द नंबर सफ़र नंबर और मुशनफ़ में आपके बारगा में आर्ज़ करूँगा तसली के लिए आप देख भी सकते हैं दो किताबें मैंने आपके सामने बयान की हैं सर आलामबला हो गई और इसी तरह मामजाबी रहमत तफ़ा वाली किताब हो गई अब तीसरी किताब है सिलसिला

और साथ ये भी फरमाया कि मैं ये कहता हूँ कि इसकी सनत ज़यीफ़ है वजह क्या है वजह यह कहते हैं कि मिन अजल अली बिन जैद बिन जुदान के इसके अंदर एक रिवायत करने वाला यानी सनत के तौर पर जो शख्स आया है वो अली बिन जैद बिन जुदान मौजूद है फिन ऩुन के बेशक वो, वो शख्स जो है वह कमज़ोर है वह ज़ैफ़ है कमाकाल अहमद वगैरह इसी तरह जैसे कि हज़र मामी अहमद बिरहबल और दूसरे अहबाब ने जैसे कि जिक्र फ़रमाया इसी तरह और इन्होंने भी वो जो मैंने आपसे बात कर दी कि यहाँ पर मसला एक हल कर दिया हज़रत इबन हजैम रही के लात तुब ही लसुही यही बात अलामारी ने भी जिक्र फरमाई है चौथा हवाला उमदतुल्कारी शरास बुखारी जिल नंबर नौ सफा नंबर बीस अलामा बदलद्दीन आनी रहा तभी इस पर कलाम फरमाया इसी तरह पाँचवें नंबर पर किताब है अलअल इबन अबी हातिम जिल नंबर एक सफा नंबर दो सौ इक्यावन छठा हवाला है अलकामिल इबन आदी जल नंबर छः सफा नंबर तीन सौ तैंतीस सातवीं किताब है तकरीबु तहजीब जल नंबर दो सफा नंबर तिरतालीस आठवीं किताब है अलज्रा व तदील जल्द नंबर छः सफ़ा नंबर दो सौ उनचास नामी किताब है जवाद इबन मह सफा नंबर दो सौ सत्ताईस यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्गों के अकबाल हैं आ, दो तीन लाइनों के अंदर उनको बयान करके मैं आगे चा, जलना चाहूँगा इमाम नसाई और हाफिल इबन हजर ने इसे दाइफ कहा इमाम अहमद ने लबि शिन कहा जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया इमाम अब ज़ुरा और इमाम अब हातिब ने लब कवीन कहा यह भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया और जवाद इब्न माजा में जमहूर मुहदसिन कराम ने इस शख्स को ज़ीफ़ कहा है ये शख्स ये शख्स जो है ये पुख्ता नहीं है इससे जो अदीस हैं वो दलील के तौर पर नहीं ली जा सकती इसे हजत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता अब यहाँ पर आइए कि फिर ये येमाए क्राम का इस इसदीस पाक को इतना सीना चौड़ा करके इस अदीस पाक को बयान करना और फिर इस अदीस पाक के ऊपर अमल करना और अमल की तरगीब दिलाना और फिर इस से पाक को मम्बरों के ऊपर से बयान करना और हजूर असलात उम का फ़रमान कहकर इसकी फजीलत को आश्कार करना वाज़ करना फिर इसका क्या मतलब है जब इतने अशात इतने बुजुर्ग और इतनी किताबों में इसका तस्कर किया गया कि यह जो शख्स इस सनत के अंदर मौजूद है ये शख्स ज़यीफ़ है और दलील के काबिल नहीं है इसे दलील नहीं ली जा सकती ये कमज़ोर है ले सब कविजिन ले सब शाअत जो भी ला यु तुबी ये सारे कलमात फिर किधर जाएँगे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने यह फरमाया कि चाहे वो कमज़ोर हदीस हो जब उसकी सनद मौजूद है तो फिर भी वो हदीस ही रहेगी इसका मकसद ये नहीं है कि वो हदीस ज़यीफ हो गई तो मातल्ला आप उससे मुनकर हो जाए कि वो सिरे से हदीस ही नहीं है नहीं हदीस तो बा, हर हाल वो हदीस ही रहेगी और उसका ताल्लुक और उसकी नस्बत अलैहि वसल्लम के कलाम से रहेगी हुजूर की गुफ्तगू से हुजूर की बात से रहेगी वो हदीस का जो दर्जा है वो उसको फिर भी हासिल है अब जिस तरह हदीस पाक का एक हिस्सा जो जहाँ पर हमने ये बताया कि हदीसी पाक के ज़ीफ़ होने की वजह क्या है वो उसके सनद के अंदर मौजूद अली बिन जैद बिन जुदान वो शख्स है कि जो गैर सिक्का है और कवि नहीं है और जो हजत के काबिल और इस्तलाल के लायक नहीं हैं वो शख्स है अब आइए इस हदीसी पाक का दूसरा रुख जो सदियों से दीन मेबरों से बयान भी करते आ रहे हैं अपनी किताबों में भी लिख रहे हैं और फिर इस हदीसे से पाक की शान को और उसकी अहमियत को उजागर भी कर रहे हैं उस हवाले से भी चंद हवाला जात जो हमारे स्क्रीन पर आपको ज़ाहिर हो रहे होंगे और उसकी किताब और सारे जो अदीस हैं उनके नंबरिंग भी आपको नजर आ रही होगी कुछ किताबें शायद जिनके हवाले जात हम आपके साथ शेयर नहीं भी करेंगे उसकी वजह फकत यही है वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश ना होने की वजह से उनको हम जिक्र नहीं कर सके अब ये कायदा जहन में रखें महदसिन का कि जब यह हदीस पाक सब ने मुतफ़ा तौर पर मान लिया कि यह हदीस ज़यफ़ है फिर इसको बयान करना और इसकी शान को उजागर करना फिर इसको इतनी अहमियत देना इसका क्या मकसद है तो सामिनी जवील एहतम ये बात जहन में रखें कि हदीस जब ज़ीफ़ हो तो फ़जाइल के बाद में वो कबूल ही कबूल होती है ये मुहदसन का मुतफ़ा कानून और फ़ैसला है कि हदीस अगर ज़ीफ़ भी हो इसी तरह जैसे अभी सनद के अंदर उसकी रिवायत करने के अंदर एक शख्स ऐसा आ गया कि जो गैर शिका है जो मजबूत नहीं है जिसकी बात को अहमियत ज़्यादा हासिल नहीं है जिस तरह के दीर मुहदसिन और रविान कराम को होती है अगर इस तरह का कोई रावी आ जाए तो वह हदीस ज़यीफ़ हो जाती है लेकिन हदीस अगर ज़यीफ़ हो भी जाए तो उससे हम नमाज़ का मसला नहीं अखज़ कर रहे नमाज़ की फर्जियत को नहीं जाहिर कर रहे रोज़े की फर्जियत को नहीं जाहिर कर रहे या हज और ज़क़़त की फर्जियत को हम जाहिर नहीं कर रहे बल्कि हम फकत रमज़ान शरीफ़ की फ़जीलत को ज़ाहिर कर रहे हैं रोज़ों की फ़र्जियत को नहीं कर रहे तो जहाँ बात है फ़जीलत की तो फजीलत के बाब के अंदर अगर ज़यीफ़ हदीस भी हो तो मुहदसिन के हाँ वो काबिल कबूल होती है कि उससे फक़त एक फजीलत बताई जा रही है ना कोई एक फ़र्ज तो नहीं मुकर किया जा रहा तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि रमज़ान शरीफ की जो फजीलत बयान की जाती है हदीस पाक बयान करके कोई रोज़ों की फ़जियत को सर अंजाम नहीं दिया जा सकता अब आइए जिन बुज़ुर्गों ने इस हदीस पाक को अपनी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मारूफ़ और मशहूर किताबों के अंदर जिक्र फरमाया और उन बुज़ुर्गों का हमारे दीन के अंदर और मसलक के अंदर और इसी तरह मज़ाहब के अंदर कौन सा मकाम है कौन सा लेवल और स्टेटस है वो के हैाम को बताने की उसकी चंदा हमें ज़रूरत भी नहीं है इसी तरह अब सबसे पहले जो हदीस पाकि बहुत ज़्यादा मशहूर है जिस किताब से अक्सर तौर पर ली जाती है वो है सबसे पहले नंबर पर सही इबन हजैम जल नंबर तीन है सफ़ा नंबर चार सौ पचहत्तर है हदीस नंबर उन्नीस सौ छिहत्तर है इस किताब के मुसन्फ़ इस किताब के मौलिफ जरत इमी को अपनी किताब के अंदर जिक्र फरमाया और बयान फरमाया है अब इस हदीस पाक के रावी हज़र सलमान फारसी रदी अल्लाह तुआ दूसरा हवाला लीजिए कंजुल जल्द नंबर आठ सफा नंबर पाँच सौ तिरासी हदीस नंबर चौबीस हजार दो सौ छिहत्तर अलामाम्दी अला रहमतल्ला तदीसी पाक को जिक्र किया रावी वो हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह तुकी की ज़ा मुक़दस है तीसरा हवाला कबूल फरमाइए अलफर रब्बानी जिल नंबर नौ सफ़ा नंबर दो सौ बत्तीसमामा सती रहमतल्ला ने अपनी किताब अफ़तर रब्बानी के अंदर इसको जिक्र फ़रमाया अब इसी तरह चौथे नंबर पर अमालीमहमिली के अंदर सफ़ा नंबर दो सौ तिरानवे में लामा हुसैन बिन इसमाल अलमहामिली ने इस हदीस पाक को बयान फरमाया पाँचवा हवाला है फजाइल रमज़ान हदीस नंबर इकतालीस और सैंतीस दोनों नंबरों के ऊपर हदीस पाक लाई गई मफहम एक ही है इमाम अबू बकर बकरदादी जो कि मशहूर हैं ले इबन अब दुनिया के लकब के साथ अब यहाँ पर यह भी जहन में रखें कि यहाँ जो बुनियादी और मरकजी तौर पर जो रावी है हर जगह हजरत सलमान फारसी ऱी अल्ल तन हैं लेकिन जो हज़रत इमाम अबू बकरबदादी रहमत ला तब फ़जाइल रमज़ान में जो दो रिवायतें लाए हैं तो एक रवायत के अंदर हज़रत अबू हुर रज़ील्ला तबी हैं और एक रवायत के अंदर जिस तरह हर जगह हज़रत सलमान फ़ारसी हैं तो इन्होंने भी एक जगह पे हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तु से लिया तैंतीस नंबर जो हदीस पाक है वह हज़रत अबू हुरर रज़ी अल्लाह तु से रवायत है और इकतालीस नंबर जो हदीसी पाक है वह हज़रत सलमान फ़ारसी ऱी अल्लाह तुसे इन्होंने रवायत की है छठे नंबर पर फ़जायल शाह रमदान हदीस नंबर सोलह अलामा इबन शाहीन रहमतल्ला तब है आपने इसके अंदर जिक्र फ़रमाया और

इस आयत के तहत पूरी एक यूँ समझे गुफ्तु गुफ चलाइए फजा रमजान के हवाले से एक बहस चलाइए तो उसी के तहत आपने इस आदि से पाप को जिक्र किया जरत सलमान फारसी रजील्ला तु ने जो रिवायत की हज़ूर का फरमान के माह रमज़ान का पहला ऐसा पहले दस दिन वो रहमत का है दूसरा मकफरत का तीसरा जहनम से आज़ादी का नवा हवाला कबूल कीजिए कि तरगीब व तरहीब कि किलामा मंजरी ने तरगीब व तरहीब की दूसरी जल्द के अंदर आपने इस से पाक को जिक्र फ़रमाया और ये हवाला में हार्ड कापी में भी आपको पेश करना चाहूँगा कि सफ़र नंबर हमारे पास सतावन है यहाँ पर हज़रत मंजरी रहमत ती हदीसी पाक को हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तुसे जल्द नंबर दो के अंदर अ तरगीब तरहीब के अंदर भी आपने जिक्र फ़रमाया और आपने फ़रमाया कि हज़ू आलातम का फराना जशान यहाँ पर भी बिल्कुल इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ मौजूद है कि हज़ू आल सलाम ने फ़रमाया कि ये जो महीना तुम्हारे पास आ रहा है वह हुआ शाहरुन अव्वल हु रहमतन के ये वो महीना है कि जिसकी इब्तदा जिसके पहले दस दिन जो रहमत हैं वह औसत हु मगफरतुन और दरमियानी दस दिन जो हैं वह मगफ़रत के हैं और फ़रमाया व आखिर हु ऐत कुम और इसी तरह आखिरी जो दस दिन हैं वो जहन्नम से आज़ादी के हैं ईमान के अंदर हज़र तमाम बहके रहमतल्ला ने इसको बयान फरमाया जो कि हदीस नंबर तीन हज़ार तीन सौ छत्तीस है हज़रत इमाम बहके रहमतल्ला तभी इसको बयान फरमाया और दसवां और आखिरी हवाला जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ ये मेरे कातुलमाती मेरे सामने मौजूद है इसका हवाला भी आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि इसके अंदर जो कि शरा है मश्कातलमसाभि की मुलाली रहमतल्ला ने लिखी है और आपका मरतबा मा अच्छे से समझ सकते हैं जल नंबर चार सफ़ा नंबर तीन सौ छियानवे है हदीस नंबर उन्नीस सौ पैंसठ है मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ ये हजरत मुलाली कारी रहमत तश्कातलमसाभि की शरह मरक़लमफ़ाति के अंदर इस पाक को उन्नीस सौ पैंसठ नंबर पर जिक्र फरमाया हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह से और यही अल्फाज हैं आप फरमाते हैं कि कल ख़त बना रसूल सल्ल आखिर यौमिन शाबाना कि हज़ूर सलातम ने शाबान के आखिरी दिन में हमें हमसे खुतब अरसाद फरमाया और वह खुतब किया था अबतदा सरकार चल्लाग 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 ने इस तरह फरमाई फ़काल यानी अल्लाह के रसूल सलाम ने फ़रयान्नासदीम कि तुम पर एक बहुत ही बड़ा महीना अजमत वाला हरमत वाला इज्जत वाला मकाम वाला महीना तुम पर साया किए हुए है यानी तुम पर तुम्हारे पास मेहमान बनकर वो आया है फिर आगे हजूला उसमे इसमा मुबारक के जो आस्मां हैं नाम है वो भी गिनवाए और ये गुफ्तु के दौरान आपने यह फरमाए सरकार ने इर्शात फरमाया वाह हुआ शाह अव्लु रमत व उसतु मगफरतुन व आखिर हुआ मिनन्नार अल्लाह के नबी आलाम ने इस बात को ज़ाहिर फ़रमाया तो इतने सारे बुज़ुर्गान दीन का इन किताबों के अंदर और ऐसी किताबें कि जिनको हम अपने दीन अपने इस्लाम की और अपने अपने दीन की बुनियादें समझते हैं और इन किताबों के जरिए से दुनिया भर के मुसलमान दुनिया भर के उलमा और अवामन्नास और हजूर असरात इस्लाम की उम्मती रहनुमाई लेते आए हैं ले रहे हैं और क़ियामत तक लेते रहेंगे अगर हम इन अहदीस को माजल्ला बातिल करार दे दें या हजूर आलातम के फरामी मुक़दसा को मौजू और मुनकर करार दे दें या ये करार दे दें कि नहीं जनाब माह रमज़ान सारा का सारा व रहमत का है सारा का सारा मफरत का है सारा का सारा ऐसा महीना है कि उसमें अल्लाह पाक चाहे तो जहनम से आज़ादी दे सकता है फिर ये दस दस दिन खास करना इसका क्या मकसद है तो आपकी बात बिल्कुल बजा है दुरुस्त है लेकिन ये जो हदीस पाक है हजूर आलातम ने इन अवकात की फजीलत को उजागर फरमाया दूसरे नंबर पर ताकि जो नाम दिया जाता है जिस चीज़ को जिसके साथ खास किया जाता है उसमें आम लोगों के लिए अवामान्डाज के लिए उस चीज़ के लिए शौक़ बढ़ा दिया जाता है कि चूंकि रहमत वाले अयाम है रहमत वाला महीना है तो उसके अंदर मंदा रहमत की तलब के लिए शौक रखता है इसी तरह मगफरत का महीना है तो उसमें तलब मत के लिए बख्शिश के लिए दुआएँ मांगता रहता है कोशिश करता है और इसी तरह जहन्नम से आज़ादी का है अब मकसद ये तो नहीं है ये तो आप भी तस्लीम करते हैं कि रमज़ान शरीफ का मुकम्मल महीना रहमत का है मगफ़रत का है जहन्नम से आज़ादी का और नजात का है तो क्या दूसरे महीनों के अंदर दीगर एयाम के अंदर ग्यारह महीने जो इस्लामी है क्या उनके अंदर अल्लाह पाकर रहमत नहीं फरमाता क्या उनके अंदर अल्लाह पाक की मफरत नहीं होती है? क्या उन दिनों के अंदर उन महीनों के अंदर अल्लाह पाक जहनम से किसी मुसलमान को आज़ाद नहीं करता तो उन दिनों को भी अंदर भी करता है तो लिहाजा आप फिर माजल्ल इसके भी मुनकर हो जाए कि लिहाजा जब दूसरे दिनों के अंदर अल्लाह पाक रहमत मफरत और जहन्नम से नजात का सिस्टम हो, होता है अल्लाह पाक के हाँ और ये मामला होता है तो रमजान शरीफ में फिर इसको ख़ास कर क्या करना है इसको छोड़ दो तो फिर आप खुदा न खास्तः कल ये बात करेंगे लिहाजा होश के नाखुल लेने चाहिए और हजूर आलत के फरामी ने मुकदसा को इतनी सहूलत और आसानी के साथ माजल्ला बातिल कहकर या मुनकर कहकर या उसे ज़यीफ़ कहकर या उसे बिल्कुल सिरे से या उसे मौजू कहकर झुटला नहीं देना चाहिए जिस हदीस का जो मकाम है जो लेवल है उसको उस हद तक रख कर तो कम से कम तस्लीम कर लेना चाहिए ये हर एक मुसलमान के अंदर ये क़वत इतनी होनी चाहिए कि जो हकीकत है उसको बयान कर भी सके सुन भी सके और हक पर अमल की तोफीक भी अल्लाह पाक उसको अता फरमाए कि वो हक़ पर अमल भी कर सके अलहमदिल्ला मैंने तस्वीर के दोनों रुख और हदीस पाक का ज़यफ़ होने की वजह और पहलू ववाब भी आपके सामने मैंने अर्ज़ कर दिया और हज़ूल असलम के इस फरमान मुक़दस के हवाले से जो सदियों से बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा चला आ रहा है और किताबों के अंदर अहमियत देना और मंबरों से इसको बयान करना ज़बानी तौर पे इसको याद करना और फिर इस जुमला के ऊपर बिलखसूस अमल करके दिखाना अपने क़ौल फेल के ज़रिए से ये हमारे सामने है इसे बयान करने की हाजत नहीं अल्लाह पाक में दिन की समझे मत फ़रमाए रमज़ान शरीफ़ की आहमद है अल्लाह पा उसमें खूब इबादात की तोफ़ी ताफरमाए आमी